दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने की 25 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए किंग खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर कई सारी खबरें लगातार हम लोगों के सामने आ रही है, और उन कई सारी खबरों में से कुछ खबरें नेगेटिव हैं तो या कुछ खबरें पॉजिटिव हैं। और भाई इन नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों को देखने के बाद फैंस का जो मूड है ना, कभी इधर हो रहा कभी उधर हो रहा है यार। कि जब नेगेटिव खबरों का मार्केट ज़्यादा फैल रहा है तो भाई किंग खान की दीवाने ये बात लगातार कहने लग रहे हैं कि भैया इतनी दुश्मनी इतनी नफरत किंग खान से क्यों उनकी इस फिल्म का बहिष्कार करने की मांग इतनी तेज की जा रही है। और भाई जब ऐसी खबरें हम लोगों के सामने लगातार आ रही है तो भैया किंग खान की आने वाली इस फिल्म का बॉयकॉट करने वाली बॉयकॉट गैंग जो है वो खुशी से झूम उठ रही है ये कहते हुए कि भैया ये फिल्म भी गई। लेकिन भाई अब पठान को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही है इसको देखने के बाद तो हेटर्स सोच में पड़ जाएंगे कि भाई पासा पूरी तरह से पलट कैसे गया मेरे भाई। यानी कि भैया ये बात तो आप लोग जानती हो कि पठान का एडवांस बुकिंग अभी भी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भैया पूरे विश्व में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है। पहले जर्मनी वाला तो हम लोगों ने इंसिडेंट आपको बता दिया है कि भैया जैसे ही जर्मनी में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ कि भाई पहले दिन का शोज जो था इस फिल्म का वो हाउसफुल हो गया मेरे भाई, हाउसफुल हो गया। और उसके बाद जैसे इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आया कि भैया YRF ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी कि भाई पूरे विश्व में हम इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को शुरू करने जा रहे हैं, और वहाँ के रिस्पांस को देखने के बाद हम इस फिल्म का एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू करेंगे। और भाई जो प्लानिंग थी YRF की उस प्लानिंग पर YRF पूरी तरीके से कामयाब होती नज़र आ रही है मेरे भाई। यानी कि पहले दिन के लिए इस फिल्म को USA से जो एडवांस बुकिंग मिला है उसको देखने के बाद तो भैया किंग खान खुशी से झूम उठेंगे। और उसके बाद भैया किंग खान के जो वॉरियर्स हैं ना भैया, उनकी जो फैन ग्रुप है, किंग खान को एक ऐसा तोहफा देने वाली है पहले दिन पहले शो के माध्यम से, उसकी मदद से ये बात कही जा रही है कि भैया किंग खान की ये फिल्म बहुत ही आसानी से भैया केवल फैंस के द्वारा कलेक्ट की गई कलेक्शन की मदद से 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी बॉक्स ऑफिस पर। 50,000 लोगों को ये फिल्म पहले ही दिन पहले ही शो में दिखाना चाहती है किंग खान की फैन ग्रुप। और भैया उन लोगों ने तो प्लानिंग भी कर लिया है कि कहाँ कहाँ वो स्क्रीन्स लगवाएंगे केवल फैंस के लिए। तो भैया ऐसी खबरें हम लोग के सामने आ रही है। और भैया इसी बीच में USA, मैंने टॉपिक अचानक से चेंज कर दिया था, तो भैया USA में इस फिल्म को पहले दिन के लिए कितने का एडवांस बुकिंग मिला है तो भाई वो आंकड़ा है $3 लाख का। यानी कि भैया 2 करोड़ से ज़्यादा का एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने पहले दिन के लिए ही पा लिया है अमेरिका से। और ऐसी ही खबरें अलग अलग कंट्री से पठान को लेकर आ रही है। यानी कि भैया बैठे बैठाए पठान को जो प्रमोशन मिल गया था ना नेगेटिव खबरों की वजह से, भैया उसकी मदद से ये फिल्म अब इतना हाइप खुद के लिए क्रिएट कर चुकी है कि भैया जो इस फिल्म के बारे में नहीं जानते थे वो भी अब इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आखिर में इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इस फिल्म को लेकर इतना हंगामा है क्यों बरपा। तो भाई इस हंगामे की आंच से अपने हाथ को सेकना चाहते हैं लोग कि भाई क्या खास है पठान में जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। तो भाई फ़ायदा तो होगा ही मेरे भाई, फ़ायदा तो होगा ही, मुफ्त में प्रमोशन जो मिल रहा है पठान को। तो भैया ऐसा प्रमोशन हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी फिल्मों को काफ़ी पैसा झोंकना पड़ता है, झोंकना आग में झोंकना पड़ता है या फिर कहें डालना पड़ता है। तो भाई बिना आग में झोंके हुए इतनी ज़बरदस्त पब्लिसिटी अगर पठान को मिल रही है कामयाब नहीं होगी क्या ये फिल्म? तो भैया पठान बॉक्स ऑफिस पर आ रही है और पठान को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही है एडवांस बुकिंग की मदद से उसी को देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि भाई पठान बॉक्स ऑफिस पर लाएगा रिकॉर्ड ब्रेकिंग करने वाला ज़बरदस्त तूफान। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया किंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि पठान को लेकर जो ये पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर पहले ही दिन भाई KGF के
चैप्टर 2 का और वॉर का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ देगी क्या? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।